नमस्कार। बीबीसी हिंदी के साथ आज बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। तेज प्रताप जी, ये आपका दफ्तर है, कार्यालय है हमारा। कार्यालय है। हाँ तेज प्रताप जी, ये बताएं कि मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट हैं इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से, वो तेजस्वी हैं? तेजस्वी हैं, हमारे अर्जुन हैं, वो वही रहेंगे? वही रहेंगे, वही उन्हीं को गद्दी पे बैठाना है। आपके मन में तमन्ना नहीं है मुख्यमंत्री बनने की? मुख्यमंत्री क्या है, हमको किंग मेकर बनने की ज़्यादा भूमि हमको अच्छी लगती है। जैसे पिताजी किंग मेकर की भूमिका में थे, तो किंग भी थे। और तो किंग हमारे भाई किंग बने या हम किंग बने, बात तो बड़ा बड़ा भी है। मतलब लालू प्रसाद यादव तो किंग ही थे, किंग मेकर क्या थे, वो तो मुख्यमंत्री ही थे। हाँ किंग मेकर थे, तो किंग मेकर थे तो हम भी किंग मेकर हैं। ये बताइए तेज प्रताप जी कि अभी गठबंधन की बात चल रही है कांग्रेस के साथ और वामपंथी पार्टियों के साथ, तो क्या ये मतलब फाइनल फेज में है? अब देखिए, बातचीत तो लोगों से चल रही है, कांग्रेस वाले लोग से भी तो बातचीत चल रही है। खासकर कांग्रेस वाले लोगों का ज़्यादा डिमांड बढ़ा हुआ है अभी। तो इतनी डिमांड वो क्यों कर रहे हैं? अब कितने क्या कर रहे हैं तो अभी तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि जब तक क्लियर नहीं होगा। तो केवल कांग्रेस ही बात चल रही है या फिर सीपीआई, सीपीएम, एमएल से भी बातचीत चल रही है? नहीं, लगातार सबसे तेजस्वी जी ने संपर्क साधने का काम किया है और लगातार लोग से बातचीत चल रही है। तेज प्रताप, ये बताएं, आप बिहार के युवा नेता हैं और एक युवा नेता की चर्चा और होती है जो कि कन्हैया हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अब देखिए, सब लोग हैं, सब लोग समाज को ढालने का और समाज को ऊँचाइयों तक ले जाने का, सब लोगों ने बेड़ा उठाने का काम किया है। सब लोगों की पांचों उंगली अलग अलग होता है, तो पांचों उंगली का अपना अलग अलग भूमिका होता है। तो सब लोग हैं, यूथ हैं, वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ें, सब लोग को आज़ादी है। उनकी राजनीति से आप मतलब सहमत हैं, वो जो कुछ कहते हैं? नहीं, आज़ाद देखिए, हमारी जो विचारधारा है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की, जो जेपी जी की जो विचारधारा, सामाजिक न्याय का, तो ये हमारा विचारधारा है, तो हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनका विचारधारा जो होगा वो अपना आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी पार्टी से अगर अलायंस होता है और वो अगर विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो आप उनके लिए प्रचार करेंगे? अलायंस होगा तो बात की बात है, अभी तो फिलहाल तो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन बातचीत चल रही है गठबंधन की। गठबंधन की बातचीत हो रही है, तमाम लोग, नेता लोग संपर्क में भी आ रहे हैं, हमारे भी संपर्क में आते हैं नेता लोग, तो बातचीत होती रहती है लगातार। तेज प्रताप, आपकी ये तस्वीर आपकी है? ये तेजस्वी जी की तस्वीर है। अच्छा, तेजस्वी हमारी तस्वीर इधर है, हमारी तस्वीर यहाँ पिताजी के साथ हमारी तस्वीर है, और कुछ अंदर भी तस्वीर है यहाँ पे हमारी। ये आपकी तस्वीर है? ये हमारी तस्वीर। तब आप मतलब स्कूल में पढ़ते होंगे? हाँ, स्कूल में पढ़ते। तेजस्वी जी की तस्वीर है और ये छोटी सिस्टर है उनकी तस्वीर है। तेज प्रताप, आप राजनीति के अलावा और क्या करते हैं? राजनीति के अलावा हम हैं ज़्यादातर अध्यात्म में ज़्यादा हमारा रुचि रहता है। तो अध्यात्म में और क्या करते हैं आप? अध्यात्म में रहते हैं अपना, जैसे वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, या हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह हो गया, या राजस्थान में कई एक जगह हिस्टोरिकल, उदयपुर गए हैं, महाराणा प्रताप के किले में भी गए हैं, तो बहुत तरीके जो हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री से जो लगा होता है, जैसे वैशाली हो गया, वैशाली स्तूपा हो गया, तो ये सब ज़्यादा हम देखने का काम करते हैं। राजगीर हो गया, तो राजनीति, पुरानी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनसे ज्यादा मेरा लगाव रहता है। तो राजनीति आपका फुल टाइम पेशा है या फिर पार्ट टाइम पेशा है? अब तो हम पैदा इसी में हुए हैं, तो अब तो पूरा आजीवन इसी में है, राजनीति में। राजनीति में ये पूरा जीवन। और तेज प्रताप, ये बताएं कि जब आप उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का शासन 15 साल तक रहा, तो इस बात को लेकर आपको गर्व होता है या घमंड होता है? देखिए, गर्व होता है कि महान जनता ने हमको और हमारे पिताजी को, तमाम लोगों को चुनने का काम किया और मौका देने का काम किया कि बिहार में काम करने के लिए, तो हमको गर्व होता है कि चुनने का। इन 15 सालों में जो लालू जी का शासनकाल था, उसमें बिहार में जो कुछ खास तब्दीलियों को आप रेखांकित करते हैं, उनमें कौन सी तब्दीली सबसे अच्छी आपको लगती है? पिताजी ने पूरे तरीके से जो यूनिवर्सिटी देने का काम किया था, हर एक जिला में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, आज जो IGMS देखेंगे, PMCS देखेंगे, ये सब पिताजी का दिया हुआ है। हर जिला में तो यूनिवर्सिटी नहीं है, 8 यूनिवर्सिटी देने का काम किया था ना, आपको शायद पता होना चाहिए। जिला तो यहाँ पे 8 से 8, हाँ तो 8 जगह उन्होंने देने का काम किया था, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि 15 साल इनकी भी शासन रही है। बिल्कुल, लेकिन 15 साल में इन्होंने 60 घोटाले करने का काम किया है, 60 से ज़्यादा कई घोटाले करने का काम किया है।
तो ये जो आप जो स्कैम का आरोप लगा रहे हैं, तो जब आप मंत्री थे तब भी ये तब की ये बात कर रहे हैं या उसके बाद की बात कर रहे हैं? नहीं, हम जब इसके अभी का बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे अभी हैं। जब चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी कूद के भागे तब की हम बात करने का काम कर रहे हैं। तो जब आप मंत्री थे तो कभी नीतीश कुमार से वन टू वन मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? हाँ, तो अब मंत्री थे जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी साथ में थे तो बातचीत होते रहे। कैसा मतलब कैसी बातचीत होती थी? अब नीतीश कुमार जी की भी फोटो है, आप देख लीजिए, हमारे पिताजी के साथ बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे पिताजी ने इनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया, उसका भी ये होगा। इसमें आपको दिखा देते हैं, इसमें है तस्वीर, उधर है तस्वीर नीतीश कुमार जी की, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो शुरू से नीतीश कुमार जी हैं। तो आपने कभी आपको उन्होंने कभी बताया नहीं कि मतलब राजनीति कैसे करनी चाहिए, क्या मतलब ऐसी कुछ राजनीति पे? तो फिलहाल हमारे जो गुरु हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे भगवान हैं, तो उन्हीं से बातचीत होते रहती है, वही हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कैसे कैसे समाज में काम करना है, कैसे समाज के हितों को लेकर के चलना, उठाना है मुद्दाओं को उठाना है, तो तमाम चीज़ राजनीति पर बात होती रहती है। जी तेजस्वी जी, अब कोई कहता है कि आरजेडी यादवों की पार्टी है, तो आपको क्या तथ्य? आरजेडी तमाम लोगों की पार्टी है, सब लोगों की, सारे वर्ग, सारे जाति, सारे बिरादरी, जात सब तो निकाल दीजिए, सारे लोगों की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है। आपके लिए जाति कितना मायने रखती है? देखिए, जाति वाति से कुछ होना जाना है नहीं, इंसान से होना जाना है। हम लाल खून आपका भी निकलेगा, लाल खून मेरा भी निकलेगा, काटेंगे तो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मतलब आप मानते हैं कि जाति की जगह नहीं होनी चाहिए समाज में? जात शब्द को केंद्र सरकार हटा दे, एकदम हटा देना चाहिए, जात शब्द को हटा देना चाहिए, इंसान शब्द को लाना चाहिए। आपके लिए हिंदू होना क्या मायने रखता है? मतलब हिंदू होने का मतलब सबसे पहले इंसान होना मायने लगता है, एक अच्छा इंसान जो देश का भला कर सके। ये बताएं कि आपके जब पिताजी का शासनकाल था, तो उस शासनकाल में कई जिलों में, गाँव में जातीय नरसंहार हुआ, उसमें आप किसकी, मतलब जो प्रशासन की गलती थी, पुलिस की गलती थी, किसकी गलती मानते हैं? बजरंग दल आरएसएस वालों की गलती थी, बीजेपी वालों की गलती थी। अब गोधरा कांड में भी तो हुआ था, गोधरा कांड जो हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, उसका भी चर्चा कीजिए। नहीं, उसकी तो चर्चा जाहिर सी बात, उसका चर्चा की। अभी वर्तमान में जो हमारी जो बहन जो जिसके साथ जो हथरस में जो घटना हुई, जिसने अभी जो योगी जी की सरकार थी, आपके योगी जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे योगी जी आप क्यों कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। हम बोले, कहने का मतलब है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो होता है टू द पॉइंट मुँह पे बोलेंगे, चाहे आपको खराब लगे चाहे आपको बुरा लगे, हम नॉर्मल जो है मुँह पे हम बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। इसलिए अभी सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो ये क्या कर रहे हैं बताइए। तो आपका, आपने जो महुआ से, आप पहले विधायक थे, अब आप हसनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कोई वजह है महुआ विधानसभा क्षेत्र छोड़ने की? नहीं, छोड़ा कहाँ है महुआ विधानसभा, तो वहाँ से विधायक तो अब नहीं बनेंगे ना? अरे छोड़ा कहाँ है, किसी को मैं छोड़ता कहाँ हूँ, मैं तो काम करके छोड़ता हूँ। मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, हर एक चीज़ हमने देने का काम किया, जनता का हर एक ख्वाहिश को पूरा करने का काम किया। तो कोई खास वजह तो रही होगी हसनपुर आने की? हसनपुर में डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं हुआ है, वहाँ का जो विधायक है राजकुमार, कोई विकास करने का काम नहीं किया, गाड़ी में गया छुप करके जाता था। हम तो छतरी के बाहर निकल करके लोगों से मिल रहे हैं, खुलेआम मिलने का काम करते हैं, वो तो छुप करके जाता है। लेकिन आपकी और तेजस्वी जी की साथ में जनसभाएं बहुत कम होती हैं? सभाएं होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं। मैंने बहुत कम देखी कि मतलब दोनों भाई साथ में आप जनसभा कर रहे हो। अब जैसे घर में तो पहले एक होते हैं, आप भी घर में एक होते हैं, आप भी तो अलग लेके माइक लेके घूम रहे होंगे, आपके भाई भी अलग होंगे होंगे कि नहीं होंगे? स्पष्ट क्लियर बात बोलिए, बात को घुमाने से नहीं होगा, घुमाने से नहीं। हाँ, हम सब टू द पॉइंट मुंह पे जवाब देंगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब आदमी जब ग्रोथ होते हैं तो सबको जिम्मेवारी मिल जाता है कि आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम करना है। तो हमको ड्यूटी मिल गया, सबको डिपार्टमेंट मिल गया कि आपको यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है। जहाँ पे जरूरत पड़ता है कि हमको एक होना है, तो हम एक रहते ही हैं, लगातार एक होते हैं। एक बात, लेकिन अपने कर्म को और धर्म को हम निभाते रहते हैं। एक बात लोग कहते हैं कि जो लालू जी का जो अंदाजे बया था, जो उनका अंदाज था, वो तेज प्रताप में है, और जो समझदारी है वो तेजस्वी में। क्या ऐसा है, मतलब जो लालू यादव एक पैकेज? ऐसा बात नहीं है, लोगों में जो है कुछ चंद मीडिया के लोग जो होते हैं, बिक जाते हैं जो लोग, वो लोग इस तरीके का काम करने का काम करते हैं। मीडिया से आप गुस्से में हैं? हम मीडिया से क्यों गुस्से में रहेंगे, हम, मेरा तो पूरा टीम है, मेरा दोस्त जिगरी यार मीडिया में है। लेकिन आप नाराज तो हैं मीडिया से? हम क्यों नाराज होंगे मीडिया, हम मीडिया से कोई नाराज नहीं होते, हम तो खुद ही मीडिया हैं। आप फिल्म देखते हैं? हम खूब देखते हैं फिल्म। सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी कौन है? महाभारत है। उसे फिल्म आप कहेंगे? अब फिल्म कहिए कि आपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने उतारने का, उससे बड़ा फिल्म और क्या हो सकता है? ओके, अब सिनेमा हॉल में तो हम लोग जाके बैठते हैं, कमर्शियल फिल्म है वो सब देखते हैं। पुराना जैसे सिनेमा जो हो गया वो सब देखना, राजकुमार जी की पिक्चर वगैरह बड़ा अच्छा लगता था। राजकुमार या राज कपूर?
राजकुमार जी की पिक्चर वगैरह भी और हिस्टोरिकल पिक्चर वगैरह भी जो बनती हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है? सबसे पसंदीदा है हमारी पिक्चर, अभी जो ये जो पिक्चर आया इस पर राजनीति, वो अच्छी पिक्चर थी प्रकाश झा की। तो तेजस्वी शादी करेंगे? आप तेजस्वी से सवाल कीजिए ना शादी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए? क्यों नहीं, तो सबका ख्वाहिश होता है कि शादी हो जाए। तो आप प्रचार करने कब से जा रहे हैं तेज प्रताप? जाएंगे, अभी होगा, अभी तो सारे नॉमिनेशंस की तैयारियां वगैरह चल रही हैं, तो उसमें अभी हम लगे हैं। राबड़ी जी भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, माता जी नहीं लड़ेंगे। आप और तेजस्वी लड़ेंगे? हाँ, वो राघोपुर से ही लड़ेंगे। हाँ, वो राघोपुर से लड़ेंगे। अब तेज प्रताप अपने दफ्तर में अभी लोगों से मिलजुल रहे थे, आपके हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन आप गुस्से में भी होते हैं अक्सर देखा जाता है? गुस्से में नहीं रहते हैं, जो खराब इंसान होते हैं उनके साथ हम तो कैसे पहचानते हैं कि कोई इंसान खराब? हम पहचान जाते हैं, पिताजी से सीख मिल गया हम लोगों, क्या करें हम तो भारतीय राजनीति में सबसे खराब आपको कौन लगता है? देखिए, खराब कोई होता नहीं, हालात और जो समय होता है ना, वो खराब इंसान को बना देता है। कभी आप अकेले बैठते हो तो किसी सबसे ज्यादा तेज गुस्सा आता होगा? सबसे ज़्यादा अगर तेज गुस्सा आता है तो सुशील मोदी पे, नरेंद्र मोदी जी पे आ जाता है गुस्सा। नीतीश जी पे नहीं आता है? नीतीश जी तो चुपचाप रहते हैं, वो साइलेंट वे में वार करने का काम करते हैं, चुप रह करके वार करने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी पे भी आ जाता है गुस्सा, गुस्सा तो आ ही जाता है। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया तो? तब भी जनता हमारी साथ है ना।